नमस्ते। आज हम 21वीं सदी में हैं और 21वीं सदी में एजुकेशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। एजुकेशन हर किसी को चाहिए। एजुकेशन से ही लोग आगे बढ़ सकते हैं, आगे जाके उन्हें नौकरी मिल सकती है और लोग अपने उन्नति कर सकते हैं। पर आज की 21वीं सदी में भी यहाँ छोटो लोखिंदंग एमई स्कूल, ये एमई स्कूल आसपास के 4-5 गाँव के स्टूडेंट के लिए बना है। छोटो लोखिंदंग, बड़ो लोखिंदंग, थावेलांगसो, 6 किलो, 100 बस्ती सबके लिए। पर यहाँ आज 35 स्टूडेंट रजिस्टर्ड है। ये एक सरकारी स्कूल है, आसाम गवर्नमेंट के अंदर ये स्कूल है। पर इस स्कूल की अवस्था बहुत ही निराशाजनक है। यहाँ ना ही बैठने की सुविधा है, ना ही क्लासरूम सही है। क्लासरूम के ऊपर के छत गायब है, यहाँ फ्लोर नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यहाँ सबसे पहले 4 टीचर रजिस्टर्ड थे। उन 4 टीचर में से भी सिर्फ एक ही टीचर आया करते थे। आज के दिन में उन 4 में से भी 2 टीचरों ने ट्रांसफर ले लिया, बाकी बचे दो टीचर में से एक टीचर तो आते हैं और एक हेडमास्टर, वो भी नहीं आते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं छोटो लोखिंदंग स्कूल की छत की अवस्था, जहाँ पे काफ़ी जगह पे छेद पड़े हुए हैं। यहाँ के रूफ की भी इसी प्रकार की हालत है और क्लासरूम के अंदर की अवस्था भी बहुत निराशाजनक है। हर जगह गंदगी ही गंदगी पड़े हुई है और आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ किस प्रकार की शिक्षा प्रदान की जाती होगी। ना कि यहाँ पे प्रॉपर फ्लोर की सुविधा है, ना प्रॉपर क्लासरूम की सुविधा है। हर जगह बस गंदगी ही गंदगी है। और ये है वो 4 टीचर जिन्हें स्कूल में अपॉइंट किया गया था, पर गांव वालों का कहना है कि अब इनमें से भी 2 ने अपना ट्रांसफ़र ले लिया है। तो मैं ऐसे GB ऑफ छोटो लोखिंदंग, तो मेरा मैसेज कुछ गवर्नमेंट लोग को देना चाहता ये कि मेरा गांव छोटो लोखिंदंग अभी 95 ईयर्स हो गया सिंस 1932 स्टाब्लिश। और हम लोग का जो छोटो लोखिंदंग एम स्कूल जो है, हम लोग का 1992 में जब हम लोग का स्कूल का स्टाब्लिश हुआ, फिर भी आज का दिन देखा जाता कि हम लोग का जो स्कूल का कंडीशन अभी यहाँ से कोई स्टूडेंट बोलने से भी, अभी कोई यहाँ से भी कुछ पढ़ाई लिखाई बोलने से भी कुछ इतना टैलेंटेड ऐसा भी नहीं देखा, क्योंकि इसमें हम लोग का बहुत एजुकेशन के लिए हम लोग बहुत कमज़ोर हो चुका है। और यहाँ का जो हम लोग का अभी टीचर बोलने से भी आपको जितना भी 4 जन है, 4 जन से भी अभी 2 जन है सिर्फ, तो अपना अपना से ट्रांसफर दे देता है। ये गवर्नमेंट का कमजोरी है, ये हम लोग देखने मिलता। और हम लोग का जो स्कूल बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन देखिए, अभी 2 साल भी नहीं हुआ, इसका इनकम्प्लीट हुआ। ये क्या कंस्ट्रक्शन किया है यहाँ में? ये तो कोई कॉन्ट्रेक्टर आके आपको कौंसिल से आके बनाता, खुशी खुशी बना के चल गया और अभी इनकम्प्लीट दिखाया। तो ऐसे तो नहीं होना है। और हम लोग का जो बाउंड्री वॉल भी नहीं है, आपको टीचर के लिए कुछ क्वार्टर कुछ नहीं है। और जो बारिश का समय से जो टीना पुराना वाला सब फटा है, सब भी रिपेयरिंग के लिए हम लोग स्कूल में कुछ अभी नहीं दिया हो, ये हम लोग देखने मिलता है। और स्पेशली हम लोग ये गवर्नमेंट, कांग्रेस गवर्नमेंट हो बा BJP गवर्नमेंट हो, हम लोग का जो छोटो लोखिंदंग जो गरम पानी हम लोग का कॉन्टेंसी का जो 32 पुलिंग स्टेशन अंदर में गिरता है, हम लोग का यहाँ में भी कितना वोटर है, खाली इलेक्शन में वो लीडर लोग भी निकलता है हम लोग को वोट मांगने के लिए। लेकिन आज का दिन हम लोग ऐसे माइनिंग अफेक्टेड एरिया, फिर भी हम लोग को हॉस्पिटल के लिए भी जाने के मुश्किल है, रास्ता के तकलीफ होता है, स्कूल के लिए पानी के लिए इतना तकलीफ है। हम लोग कोल माइनिंग एरिया अफेक्टेड है, फिर भी आज तो हम लोग को इतना गवर्नमेंट लोग हम लोग को नहीं देख रहा है यहाँ में। तो हम लोग स्पेशली ये एजुकेशन डिपार्टमेंट को भी हम ये जाना नहीं मांगता कि हम कुछ इनिशिएटिव लिए, कुछ एक्शन लेना चाहिए बा लीगली हम लोग को कुछ जो गाँव में हम लोग को सुविधा देना चाहिए। ये मेरा समाप्त करते हैं। सबसे पहले नमस्कार, बोरेल न्यूज और प्लस वेनी और हिल्स न्यूज को हम बहुत बहुत थैंक्स देता है, क्योंकि आज के दिन में एजुकेशन का बहुत प्रॉब्लम है। हम लोग का ये छोटा लोखिंदंग गांव बहुत पुराना गांव है, ना ही यहाँ से कुछ गवर्नमेंट से फैसिलिटी दे रहा है, ना कुछ दे रहा है, ना रास्ता अच्छा है, ना मेडिकल है। मतलब बस्ती वाला को बहुत ही टेंशन है, बहुत ही प्रॉब्लम है बस्ती वाला। और ये स्कूल जो एम स्कूल है, ये 5 बस्ती के बीच में एक एम स्कूल है, जो हम 2-3 बार हमने यहाँ पे विजिट किया NGO के थ्रू से, और एपोलॉजी लेटर भी है हमारे पास जो टीचर्स ने दिया था हमको कि आज के बाद हम कंटिन्यू ड्यूटी करेंगे। उसके बाद ऐसा लिख के उन्होंने दिया है, मैं आप लोगों को दिखाया था, ये आप क्लिक भी कर सकते हो। उसके बाद भी स्कूल में आज तक टीचर्स नहीं है, और उसके अलावा क्या है, यहाँ पे टीचर्स तो है ही नहीं। इसके अलावा जो हायर अथॉरिटी है, उन्होंने इस स्कूल से 2 टीचर को ट्रांसफर दिया, किस व्यू में दिया, क्या थिंकिंग है उन लोगों का? अरे पढ़ेगा इंडिया तब तो बढ़ेगा इंडिया,
अभी दो चीजें नहीं, एक चीज है वो आसामिस लैंग्वेज, ना हिंदी समझ में आता है ना हिंदी बोल पाता है, कम बोल पाता है, लेकिन आसामिस लैंग्वेज सब्जेक्ट का है, उनका कोई रोंग नहीं है। बच्चे लोग यहाँ पे कार्बी कम्युनिटी और गोरखा कम्युनिटी का बच्चा यहाँ पे आता है, तो उनको हिंदी जरूरी है, इंग्लिश जरूरी है, ये आज तक हुआ नहीं। और मैं जो भी बोलता हूँ डीआईएसआर का नॉलेज में तो ये होना चाहिए कि यहाँ पे टीचर्स कम है, फिर यहाँ पे यहाँ से ट्रांसफर कैसे हुआ, कैसे ट्रांसफर दिया गया उन टीचरों को, इसका मतलब कुछ ना कुछ जोलजाल है। ऐसा जोलजाल ना करें, बच्चों का बद्दुआ लगेगा आपको, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जल्द से जल्द इस एम स्कूल में टीचर होना चाहिए। आप लोग कहीं से भी हो, टेट टीचर हो, कहीं से भी हो, आप यहाँ पे दो चार टीचर, तीन टीचर हो, यहाँ पे अपॉइंट करिए, इस स्कूल को अच्छा बनाइए, इस बस्ती के बच्चों को नॉलेज मिले, ये पढ़े, ये आगे बढ़े खाली। और यहाँ से बच्चे करीबन 15-20 बच्चे या 30 बच्चे 3 किलो यहाँ से 2-3 किलोमीटर दूर जाके एम स्कूल में क्लास करते हैं। यहाँ पे एम स्कूल होने का मतलब क्या रह गया अगर वहां पे जाना पड़ता है बच्चों को? अगर ये छोटो लोग बस्ती, ये वखा, ये बड़ो लोग सब, ये 4-5 बस्ती मिलाकर एक एक एम स्कूल है। वो एम स्कूल होते हुए भी यहाँ के बच्चे दूसरे यहाँ से 4 किलोमीटर जाके वहां पे पढ़ाई करते हैं। इस ये रोड का कंडीशन देखिए कितना डस्ट है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से कोयला आता जाता रहता है, गाड़ी चलता रहता है, कितना रिक्शी है एक बच्चा यहाँ से जाने में आने में, फिर भी गार्जियन को प्रॉब्लम है, यहाँ पे पढ़ाई होता ही नहीं है, वहाँ पे अच्छा पढ़ाई है, इसीलिए गार्जियन तो हर गार्जियन चाहेगा ही कि मेरा बच्चा अच्छा पढ़े, इसीलिए वो लोग अपने बच्चे को वहाँ पे ले जाते हैं, वहाँ पे एडमिशन कराते हैं, वहाँ पे पढ़ाते हैं। तो यहाँ पे एम स्कूल अगर अच्छा हो, टीचर हो, तो सभी यहाँ पे अपना बच्चा एडमिशन यहाँ पे कराए। हम चाहते हैं, गवर्नमेंट को यही रिक्वेस्ट करते हैं, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, आप लोग एजुकेशन की तरफ अलग ध्यान दें। जो भी हमारे ऑटोनॉमस काउंसिल में जो भी एजुकेशन एम जो है नंदिता गोरलासा जी, मैं आपको भी रिक्वेस्ट करता हूँ, बार बार पहले भी मैं एक बार बोल चुका हूँ कि आप कुछ ना कुछ ध्यान दें। इस एम स्कूल का कंडीशन क्या है आप लोग आके देखेंगे तो आपको पता चलेगा ना, आप लोग वहाँ बैठने से कुछ नहीं होगा, आप लोग आके देखिए या फिर आपका आपका तरफ से किसी को भेजिए, आप तब आपको यहाँ का प्रॉब्लम पता चलेगा। नहीं बोल के आप लोग का यहाँ में कितना स्टूडेंट है अभी? हम लोग का 8 में 18 जन है, 7 में 9 जन और 6 में 10। 10 टोटल कितना होगा? 35। टीचर कितना आप लोगों को पढ़ाने आता है? टीचर सिर्फ एक आता है, एक टीचर। वो क्या सब्जेक्ट पढ़ाता है आप लोगों को? साइंस। और बाकी सब्जेक्ट? बाकी सब्जेक्ट सारे नहीं आता है। तो कैसे करता है आप लोग, मतलब एग्जाम देने में? एग्जाम देने में हम लोग का क्वेश्चन आंसर भी नहीं देता है, एक भी क्वेश्चन आंसर नहीं मिला। कब विचारे स्कूल टूर कथा? স্কুল কথা ক'বলগীয়া তো বহুতে থাকে, আমাৰ পিলাছত আমাৰ ইয়াততো স্কুল বহুতে নৰমে বুলি ক'ব পাৰোঁ। এতিয়া ধৰক এয়া স্কুল এয়া গতি এয়া বতাহ বতাহত টিংবিলাক এই গ'ল, দেখিছে আপোনালোকে সেই ঘৰটো মানে বতাহ বৰষুণত বেয়া গ'ল, মানে পাথৰপুৰি টিংটো বেয়া হ'ল, হয়নে? এতিয়া ধৰক এইডোখৰ যিটো বনালে আৰু সেইডোখৰ আজি 3-4 বছৰ হৈ গ'ল অলৰেডি, কিন্তু টিংপাত আজি টিংপাত লগোৱা নাই, তেনেহলে নাই বাউণ্ডেৰী এটা। বাউণ্ডেৰীটো হ'লেতো আৰু এই ঘৰটোতো দেখিছে গোবৰ চোবৰ যাব ভৰ্তি হৈ আছে, ইয়াতকৈ মই ভাবোঁ বেয়া স্কুল আমাৰ খনি আছে নেকি এই এলেকাত। আৰু টিচাৰতো পঢ়াব আছে, স্কুলৰ অৱস্থাটো বেয়া, আপুনি টিচাৰত অহা নহাৰ ওপৰত কি ক'ব বিচাৰে? মইতো মোৰ ডিউটি মোৰ ডিউটি মই সদায় কৰি আছোঁ, বাকী আপোনাৰ মানুহে দেখিছে, স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালী দেখিছে, আহোঁতে যাওঁতে যি মানুহ লগ পায় মোক বহুতে চিনি পায়। বাকীকেইটা ক'ত আছে হেডমাষ্টাৰজন? হেডমাষ্টাৰ এতিয়া মই জনাত উন্নয়নত আছে, এই ল'ৰা ছোৱালীখিনিয়ে কিবা একাউণ্টৰ কাম কৰি আছে। আহেনে হেডমাষ্টাৰ? আহে মানুহ, মানে কাম থাকিলে আহে। তো জেছে কি আপনি শুননা ইয়াহাকে হেডমাষ্টাৰ ভি বিলকুল স্কুল কাম আতে হে, ও কভি কভি স্কুল মে দৰ্শন দেতে হে। আব হাম আপকো ইয়ে ভি দিখানা চাহেঙ্গে কি স্কুল মে কুছ সাল আগে থোড়া কনস্ট্রাকশন কা কাম হুয়া থা, পর আজ ভি ইয়ে কনস্ট্রাকশন কা কাম আধা পড়া হে। মে ইয়াহা अपने वीडियो जर्नलिस्ट को ये दिखाना, तो जैसे कि आप देख सकते हैं ऐसे ही ये स्कूल बहुत निराशाजनक अवस्था में है, और उसी के साथ जो नया कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होता है वो भी यहाँ खत्म नहीं होता है। ना स्कूल में एक बाउंड्री वॉल है, ना स्कूल में टीचर्स है, ना स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है। तो आज के 21वीं सदी में यहाँ के इस गाँव के इस गांव के आसपास के 4-5 गांव के बच्चे लोग पढ़ेंगे कैसे? इस अवस्था को देखते हुए इस गांव के और इसके आसपास के गांव के बहुत सारे बच्चे लोग करीबन 3-4 किलोमीटर दूर जाके
3 किलो एमए स्कूल में जाके पढ़ते हैं, तो इस स्कूल का होने का फ़ायदा क्या रहा? तो ये हम दरख्वास्त करेंगे हमारे काउंसिल अथॉरिटी से, हमारे स्टेट गवर्नमेंट से, कि स्कूल छोटो लोंगखिंदोंग एम ई स्कूल पर ध्यान दे, इस पर नया टीचर नियुक्त करे, इसके रिनोवेशन करे और यहाँ के बच्चों के एडुकेशन में हेल्प करे। यह था अनुप ज्योति शर्मा, धन्यवाद। विजन नॉर्थ ईस्ट टीवी, विजनिंग एवरी कॉर्नर। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।